तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th NIOS हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोहे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पहला चैप्टर इसका डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है बहादुर। अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोहों को, इनकी हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे और लास्ट में मैं आपको डिस्कस करूंगी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो दैट वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3 कवियों द्वारा लिखे दोहे देखने को मिलेंगे। पहले तो हैं कबीर, तो कबीर के जो दोहे हैं लगभग 4 हैं इसमें, उनको देखेंगे। उसके बाद जो हमारे दूसरे 2 कवि हैं उनके दोहों को भी देखेंगे। तो देखो कबीरदास ने पहला दोहा यहाँ पर दिया है आपके लिए, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलह सुरा भरा साधु निंदे सोए। इस दोहे की एक्सप्लेनेशन आपसे करने के लिए एग्जाम में इस तरीके से दी जाएगी। मतलब ये समझ लो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जितने भी दोहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे 1 या 2 दोहा पूछ ही लिया जाता है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, पहले तो आपको ये जो जितने भी दोहे हैं 2-2 लाइन के हैं, ज्यादा नहीं है। तो इन दोहों की आपको प्रसंग सहित व्याख्या सीखनी है। उसके बाद इन्ही दोहों से संबंधित आपको शॉर्ट क्वेश्चन या फिर MCQ क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आंसर सीखने होंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 ही लाइन है आपके, अब इसका हम मीनिंग समझते हैं। सबसे पहली बात, मान लो एग्जाम में आपका यही दोहा दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस दोहे को लिखा किसने है, दैट मीन्स इसके लेखक कौन है और इस दोहे की जो व्याख्या है वो क्या है। अब देखो प्रसंग में आप क्या करेंगे, प्रसंग में आप इसका बताएंगे कि ये दोहा किसने लिखा है और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसको जो है कबीरदास जी ने लिखा है। अब पद्यांश का मतलब क्या होता है, पद्यांश का मतलब होता है दोहा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसको लिखा है कबीरदास जी ने, इतना आपको प्रसंग में बताना है। अब इसकी करनी है हमें व्याख्या, व्याख्या के लिए आपको क्या करना है, इसको मतलब डिस्क्राइब करना है सिंपल सी हिंदी में। देखो इसका मतलब क्या है, ऊँचे कुल का जन्म या करनी ऊँच न होए। ऊँचे कुल का मतलब क्या होता है, अच्छा परिवार, ऊँचा कुल, अच्छा घर खानदान। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छे यानी ऊंचे कुल में, अच्छे घर खानदान में पैदा हो गया है लेकिन फिर भी उसकी करनी ऊंच ना होए, इसका मतलब है कि फिर भी अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है ना, तो उस इंसान की हम प्रशंसा नहीं कर सकते, उसकी हम तारीफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। केवल इंसान की जो पहचान होती है, इंसान की अच्छाई केवल उसके ऊंचे घर खानदान में पैदा होने से नहीं होती, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई इसकी तारीफ नहीं करता। और इस चीज़ का एग्जाम्पल उन्होंने इस वाली लाइन से दिया है। इस वाली लाइन में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए, मतलब जिस तरीके से सुब्रन कलश, सोने का कलश यानी सोने का घड़ा, अगर सुरा, सुरा का मतलब होता है शराब, कि अगर सोने के घड़े में आप शराब भी भर दो तो जो साधु अच्छे लोग हैं वो उसकी निंदा ही करते हैं। मतलब आप समझिए सोना अपने आप में कितनी कीमती वस्तु होती है, मान लो सोने का घड़ा है तो वो कितने महंगी दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि भी हाँ कितनी महंगी चीज़ है ये, लेकिन इतनी महंगी वस्तु के अंदर भी अगर आप शराब जैसी तुच्छ चीज़ को भर दो उसके अंदर तो भी जो अच्छे लोग हैं वो उसको गलत हिसाब से ही देखेंगे, मतलब उसको घृणा की दृष्टि से ही देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन लोग निंदनीय समझते हैं, तो उसी प्रकार अच्छे खानदान में जन्म ले लिया है फिर भी आपके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो जो सज्जन व्यक्ति है वो आपकी निंदा ही करेगा, वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट दोहा। तो ये जो पूरी PPT है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो ये रहा इसका बाकी का बचा हुआ कि भाई घर खानदान या अच्छे उसमें आप पैदा हो गए तो भी नहीं, अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपकी तारीफ़ होती है और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपकी निंदा होती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्मों का मार्ग ही चुनना चाहिए। अब हमारा जो है दूसरा दोहा है कबीरदास द्वारा लिखित, इसमें उन्होंने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करस सुभाए। निंदक का मतलब क्या होता है, देखो प्रसंग तो इसमें वही लिखा जाएगा जो पहले था, पहले दोहे में हमने देखा, क्योंकि ये भी किसने लिखा है, कबीरदास जी द्वारा लिखी जाए तो प्रसंग इसका उपरोक्त ही है, यानी जो पहले वाला था वही आप याद कर लेना और कुछ नहीं है। व्याख्या क्या है कि निंदक नियरे राखिए, निंदक का मतलब होता है कि जो इंसान आपकी निंदा करते हैं, जो आपके अंदर आपकी कमियों को बताते हैं। हमें क्या लगता है, कोई इंसान मान लो अगर हमें हमारी कमी बता रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है तुम इसको पूरा कर लो, है ना, तो हमें वो इंसान बुरा लगने लग जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें कोई आलोचक मिलता है, कोई इंसान हमारी आलोचना करता है, तो उससे हमें कतराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें उसको सुनना चाहिए, वे हमें हमारी कमियों को बताते हैं और हमें अपने स्वभाव में सुधार
करने के लिए बोलते हैं। तो जब हम अपनी कमियों को जानेंगे, सुनेंगे सामने वाले की, तो हो सकता है हम उनके अंदर अपना सुधार करें। तो आलोचना को सकारात्मकता से लेना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान आपकी आपको कमी गिनवाए तो उसको पॉजिटिविटी के साथ लो, ऐसा नहीं कि सुनते ही आप मतलब आप भड़क जाओ, तो आपको उसको पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण करना चाहिए। वो ये बता रहे हैं और इस चीज़ को उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि ऐसा करना ऐसा ही है मानो के बिना पानी और साबुन के, जैसे कि हम कपड़े स्वच्छ हो जाते हैं। इस तरीके से अगर हम आलोचकों को सुन लेते हैं तो हमारा स्वभाव भी कैसा हो जाता है, हमारा स्वभाव भी बेहतर हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हमें कबीरदास जी द्वारा दिए गए यह संदेश को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का इसको प्रयास करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो दोहा गए कबीरदास जी द्वारा लिखित, वो ये वाला है, इसको भी आप समझ लीजिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हार हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोहा है फॉर स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो, समझिए आप इसको। गुरु की तुलना यहाँ पर किया कि है कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु शिष्य के संबंध को बताया है, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर गुरु की तुलना कुम्हार से की गई है। जिस प्रकार एक कुम्हार क्या करता है, घड़ा बनाते वक्त मिट्टी को शेप देता है, मिट्टी से तो घड़ा बनता है, तो क्या करता है बाहर से उसको चोट मारता है, उसको थपथपाता है, तभी तो एक घड़े का अच्छा शेप निकल करके आता है। उसी प्रकार जो एक गुरु होता है वो भी अपने शिष्य को तैयार करते हैं और उनका मुख्य काम होता है शिष्य की खामियों को और दोषों को निकालना और उसे सहारा देना, स्टूडेंट को समझाना। इसका अर्थ यह है कि गुरु का व्यवहार बाहर से इंसान को कठोर लग सकता है कि भाई हमारे टीचर हमें डांटते रहते हैं, है ना, हमें सुनाते रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो शिष्य के प्रति जो है वो स्नेहपूर्ण होते हैं। मतलब अंदर से वो क्या चाहते हैं आपके गुरु, कि आप उनका जो शिष्य है वो पढ़ लिख के अच्छा बन जाए, मतलब अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे। इसलिए बाहर से वो आपको डांटते हैं मगर अंदर से उनका उद्देश्य आपका कोई बुरा करना नहीं होता, आपके लिए अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है। चलिए अब अगला जो दोहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कहा गया है जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। देखो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहते हैं कि धन की अधिकता के महत्व पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। मान लो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, आप किसी नाव में बैठे हो, उस नाव में छेद हो जाए, है ना, और आप बीच समुद्र में या मतलब बीच कहीं भी नदी वदी में हो जहाँ पर आप उस नाव के थ्रू जा रहे हो कहीं, मान लो उसमें छेद हो गया, धीरे धीरे पानी आ रहा है आपकी नाव में, अगर आपकी नाव में कम्प्लीटली पानी आ गया, भर गई आपकी नाव, तो आपकी नाव डूब जाएगी, आप भी डूब जाओगे साथ में, है ना। तो जिस तरीके से अगर नाव में हम बढ़ता हुआ पानी देखते हैं तो दोनों हाथ से उलीच कर उसको बाहर निकालते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, आपकी नाव डूबे ना। तो यहाँ पर अगर इंसान के घर में धन की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाए, व्यक्ति के घर में अपार धन आ जाए, तो उस इंसान का यही काम है, उस सयाने इंसान का यही काम है कि जिस प्रकार नाव में जल ज़्यादा आ जाने पर आप दोनों हाथों से उलीच कर उसको बाहर निकाल देते हैं, तो एक समझदार इंसान का काम यही है कि अगर घर में धन की अधिकता ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको दोनों हाथों से दान कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि धन, उन्होंने ये तुलना किसी नाव में पानी भरने से की है, जैसे कि नाव में पानी भरने पर अगर उसे बाहर नहीं निकाला जाता तो नाव डूबने का खतरा रहता है, उसी तरीके से धन की अधिकता के मामले में भी समझदारी ये है कि धन को यथासंभव जल्द ही उपयोगिता या फिर दान के माध्यम से बाहर किया जाए, क्योंकि धन की अधिकता अक्सर विनाश का कारण बनती है, आपने सुना भी होगा। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने धन के साथ संबंधित समझदारी का महत्व बताया है जो हमें धन का सही उपयोग करने की शिक्षा देता है। आपको इस तरीके से सिंपल सिंपल सी हिंदी में भी आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने कबीरदास द्वारा लिखित दोहे देखे हैं, अब आ जाते हैं रहीम। तो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कौन सा दोहा किसने लिखा है, आप गलत जो है कवि का नाम नहीं लिखेंगे, उस पर आपके फिर कर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर रहीम द्वारा लिखित जो दोहा है वो ये है, दोई दोई लाइन के सारे, पावस देखी राम मन रहीम, सॉरी पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मोन, अब दादुर वक्ता भाई हमको पूछत कौन। यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट ये है कि रहीम जी का नाम इस दोहे के अंदर दे रखा है, तो आप पहचान लोगे, आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखो रहीम ये कहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़ कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। उनके हिसाब से विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए होता है जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्वक बातें हों, अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें कहनी चाहिए। और इससे यह भी पता चलता है कि विद्वान अनकल अवसर पर ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि जब मान लो बहुत सारे मूर्ख बैठे हैं, मूर्ख अपनी अपनी गाए जा रहे हैं, अपनी ही चलाए जा रहे हैं,
और अगर उस सभा में कोई विद्वान यानी समझदार इंसान भी है तो फिर वो चुप ही लगा जाता है, उसको पता है कि बहुत सारे मूर्ख हैं, मेरी तो सुनने नहीं वाले है ना, इनको लग रहा है बस यही ठीक है। तो समझदारी इसी में है कि समझदार इंसान उस वक्त थोड़ा चुप ही लगा जाए। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे दिया है कि जैसे कि जब बरसात का मौसम आता है तो कोयल चुप लगा जाती है, मतलब शांत हो जाती है। क्यों? बरसात का मौसम आने पर जो दादुर होते हैं, दादुर कौन होते हैं, दादुर का मतलब होता है मेंढक, कि बरसात आने पर मेंढक बाहर निकल आते हैं तो मेंढक टर टर बोलते हैं, तो उस समय पर कोयल की मीठी वाड़ी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि चारों तरफ से मेंढकों का शोर होता है ना। तो अब भाई हमें कौन पूछेगा, कोयल कह रही है कि अब तो दादुर बोलने वाले हो गए, अब हमें कौन पूछेगा। इसी प्रकार अगर कहीं बहुत सारे मूर्ख हैं एक ही बात को कहे जा रहे हैं तो विद्वान को यह सोचकर चुप लगा जाना चाहिए कि अब तो बस यही बोलेंगे, अब हमारे को कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक और दोहा है ये कि भाई खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान रहीमन दाबे ना दबे जाने जानत सकल जहान, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और इसमें आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सिंपल ही है ये। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सात चीज़ें ऐसी हैं जो छिपाए से नहीं छुपती। सात चीज़ें कौन कौन सी हैं? खैर, खैर का मतलब होता है कत्था, कत्था जो आपकी दादी नानी पान में खाती है ना, जिससे होठ लाल हो जाते हैं। तो एक तो हो गया कत्था, एक हो गया खून, खून का मतलब किसी का आप मर्डर कर देते हो। एक हो गई खांसी, मतलब खांसी आती है तो वो भी किसी से नहीं छुपती, सुनाई दे जाती है। खुशी, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश है तो वो उसके व्यवहार से पता चल जाता है, उसकी आंखों से देख के पता चल जाता है। वैर का मतलब होता है दुश्मनी, अगर किसी के मन में किसी के प्रति घृणा है, दुश्मनी है, तो वो भी पता चल जाती है। प्रीति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है, अगर किसी के मन में प्रेम है किसी के प्रति तो वो भी उसके व्यवहार से उसके आंखों से दिख जाता है। और मदपान का मतलब होता है नशा, नशा भी ऐसी चीज़ है अगर इंसान कर ले तो वो पकड़ा ही जाता है, मतलब वो नशे में होकर होश में होश वाली एक्टिंग तो नहीं कर सकता। तो संसार में सात चीज़ें ऐसी हैं, एक तो कत्था, मतलब इंसान अगर पान खा ले उसमें कत्था हो तो वो दिख जाता है उसके होठों के थ्रू। एक अगर किसी का मर्डर करते तो भी आप कहीं ना कहीं पकड़े जाते हो। एक खांसी है, खांसी मतलब आप जो है बिल्कुल नहीं दबा सकते, उसकी आवाज़ आ ही जाती है। खुशी भी दिख जाती है, दुश्मनी है वो भी दिख जाती है, प्रेम भी दिख जाता है, और नशा करना भी दिख जाता है इंसान का। तो यहाँ पर रहीम ये कह रहे हैं कि ये सात चीज़ें ऐसी हैं जो दाबने से भी नहीं दबती और इनके बारे में पूरा जहान जान ही लेता है कि भाई हाँ आपने ये इनमें से कोई सा काम किया है। तो इसमें पूरा बेसिकली आपको यही बताया गया है, मैंने बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो यहाँ तक हमने देख लिए हैं रहीम जी के दोहे, रहीम जी का नाम इसमें भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आए हैं आपके वृंद, वृंद ने भी दोहे लिखे हैं। तो वृंद जी ने लिखा है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। तो ये आपने हो सकता है सुना भी हो कहीं। करत करत अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, ठीक है, यानी प्रैक्टिस करते करते। जड़मति का मतलब होता है बुद्धिहीन, यानी जिस इंसान में बुद्धि कम हो। मान लो कोई इंसान है उसमें बुद्धि कम है लेकिन वो लगातार आप उसको एक ही काम दे दो, एक ही काम की उसको लगातार प्रैक्टिस करवाओ तो वो जड़मति भी सुजान बन जाता है। जड़मति का मतलब वो बुद्धिहीन भी थोड़ा सा समझदार बन जाता है ना। और इस चीज़ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मान लो कहीं कुआं है, उस कुएँ से पानी निकाल रहे हो आप, और जब पानी निकालते हो रस्सी के थ्रू, जिस जगह पर कुएं की ऊपरी सतह पर वो जो रस्सी है वो रगस खाती है तो वहाँ पर वहाँ से थोड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है ना, वहाँ निशान बन जाता है ना। तो देखो पत्थर जैसी चीज़ को, पत्थर कितना कठोर होता है और लगातार अगर रस्सी उस पर चल रही है, आ रही है, लोग पानी खींच रहे हैं रस्सी के थ्रू, तो रस्सी मात्र जैसी चीज़ अगर पत्थर जैसी चीज़ पर निशान डाल सकती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार चल रही है, उस पर प्रैक्टिस हो रही है रस्सी की। तो इसीलिए अगर कोई इंसान प्रैक्टिस करता है, मूर्ख इंसान से भी आप किसी काम की प्रैक्टिस कराओ तो वो भी समझदार बन जाता है। एग्जाम्पल इन्होंने ये रस्सी वाला लिया है, रस्सी और कुएं से पानी निकालने वाला। समझ में आया हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर देखो प्रसंग आपको लेकिन पता होना चाहिए, प्रसंग के भाई ये किसने लिखा है। प्रसिद्ध पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के दोहे नामक, पाठ का नाम क्या है? दोहे, उससे लिया गया है। और लेकिन ये वृंद जी ने लिखा है, कबीर और रहीम ने नहीं लिखा है, ये वृंद जी ने लिखा है। व्याख्या में यही है, अभ्यास की महत्वता के बारे में बताया है उन्होंने। वो कहते हैं कि अभ्यास करते करते निरंतर लगातार प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है इसका। चलिए अब एक और दोहा है, नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। नैना का मतलब आपको पता है, नैना का मतलब होता है आपकी आंखें, आपके नेत्र, आपकी जो आंखें हैं वो सब बता देती है। हिये को यानी आपके दिल को, हेत अहेत का मतलब अच्छा बुरा, आपकी जो आंखें हैं वो आपको अच्छा बुरा सामने वाले को भी बता देती है, आंखों से पता चल जाता है इंसान की। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे निर्मल आरसी, आरसी का मतलब होता है शीशा, निर्मल का मतलब होता है साफ सुथरा,
कि जिस प्रकार एक साफ सुथरा शीशा इंसान को उसका सही चेहरा भली बुरी मतलब कैसे तुम दिख रहे हो वो एक साफ सुथरे शीशे में देखोगे तो वो सही से तुम्हें बता देगा, ऐसे ही इंसान के जो नैना होते हैं वो उसके हृदय का हाल बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्याख्या, इस दोहे में कवि ने आँखों की महत्वता को समझाया है। वो कहते हैं कि आदमी के नैन यानी उसकी जो आँखें होती हैं उसके हृदय में विद्यमान हित और अहित के भाव को पूरी तरीके से व्यक्त कर देती हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि स्वच्छ आरसी यानी एक साफ सुथरा शीशा जो होता है वो भले या बुरे को रंग रूप को इंसान को दिखा देता है। मतलब ये है कि आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आंखों में चमक होती है, क्रोध हो तो आंखें लाल हो जाती हैं, शोक हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। तो आंखें ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक ठीक प्रकट करती हैं। सो ये जितने भी दोहे थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दोहे आपको समझ में आए या नहीं, ठीक है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एग्जाम में वो कैसे आएंगे। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप देख कर ही बता दोगे, आई होप जितने मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उस हिसाब से तो आपको एकदम देख कर ही बता देना चाहिए, चार ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एग्जाम में तो दिए जाएंगे आपको। तो देखो पहला प्रश्न है कि कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर आदमी निंदा का पात्र होता है जब वो, कब उसकी निंदा की जाती है। मान लो इंसान अच्छे कुल में जन्म ले लिया है लेकिन उसकी निंदा कब की जाती है, अगर वो अच्छे कर्म नहीं करता या फिर सुरापान करता है या फिर साधुओं का सत्संग करता है या फिर धन को इकट्ठा नहीं होने देता। तो अच्छे खानदान में जन्म लेने पर भी इंसान की तब निंदा की जाती है जब उसके कर्म अच्छे नहीं हों। तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। दूसरा है आपका अच्छा गुरु। अच्छा गुरु क्या होता है, स्वभाव को निर्मल बनाता है, घर में धन को बढ़वाता है, रास्ते में फूल बोता है या फिर कमियों को दूर करता है। जो अच्छा गुरु होता है वो बच्चों की कमियों को दूर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है। दोहे में उन्होंने जल की तुलना किससे की है, धन से की है, ठीक है। चार ऑप्शन में से आपका धन वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका रहीम के अनुसार खून खांसी खुशी वैर प्रीति और मदपान के अलावा। देखो यहाँ पर ये रहे, इन्होंने 6 चीज़ें बता दी हैं, सातवीं चीज़ बताओ कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो छुपाए नहीं छुपती। तो वो है आपका कथा, क्योंकि सबसे शुरू में बोला था खैर खून खांसी खुशी, तो खैर का मतलब क्या होता है, कथा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब दादुर बक्ता भय, इससे कवि का क्या आशय है। बक्ता भय, मूर्ख मंच पर आ पहुँचे हैं या समझदारों की इज्जत होती है या मेंढकों ने कूकना शुरू कर दिया है या कोयल ने मौन साध लिया है। तो अब दादुर का मतलब मेंढक ही हैं, तो बक्ता भाई का मतलब कि ये मूर्ख जो है वो मंच पर आ पहुँचे हैं, अब हमारी कोई नहीं सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावस देखी रहीमन मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भाई हमको पूछत कौन है। पूरा दोहा है आपका, ऊपर दिए गए दोहे में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, तो इसमें है अन्योक्ति अलंकार। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास करने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अभ्यास करने का अर्थ क्या होता है, किसी काम को जल्दी करने लगना, कार्यकरण संबंधी सीख जाना या बहस करके सीख जाना, बताओ कौन सा ठीक है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पा लेना। तो इसका अभ्यास करने का यानी प्रैक्टिस करने का मतलब होता है लगातार आप काम करो और उसमें आप फिर एक्सपर्ट हो जाओ, कुशल बन जाओ। नेक्स्ट है आपका जड़मती, इस शब्द से क्या अर्थ है। जड़मती का मतलब होता है मूर्ख यानी बुद्धिहीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि वृंद के हिसाब से जड़मती भी सुजान कैसे बन सकता है। जड़मती का मतलब क्या होता है, बुद्धिहीन, और सुजान का मतलब होता है समझदार, है ना। तो कैसे बन सकता है बताओ, कवि वृंद के अनुसार निरंतर यानी लगातार जब अभ्यास करते हो तो जड़मती इंसान भी सुजान बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नैना दे तो बताए सब ये को है तहे, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी का ही देत है ना, अभी पढ़ाए हमने। इस दोहे में नैनों की तुलना किससे की गई है, तो देखो इस दोहे में नैनों की तुलना दर्पण से की गई है यानी शीशे से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हृदय के भाव नेत्रों से प्रकट हो जाते हैं उसी तरीके से दर्पण से भी सब कुछ स्पष्ट पता चल जाता है। नेक्स्ट है, जो जल बाड़े यू नो नाव में घर में बाड़े दाम और दो हाथ उलीचे यही सयानों काम। तो इस वाले दोहे में सयानों काम किसे कहा गया है, देखो इस दोहे में धन को उपकार के कार्यों में खर्च करने यानी दोनों हाथों से दान देने को सयानों काम कहा गया है। चलिए निंदक को पास रखने की बात क्यों कही गई है आप बताइए, है ना। वो दोहा हमने पढ़ा था कि निंदक को यानी जो आपकी निंदा करे उसको आप अपने पास रखिए। जिस प्रकार साबुन से पानी से कपड़े का मैल धोया जाता है उसी तरीके से निंदा यानी जो इंसान आपकी निंदा करता है आपकी कमी बताता है उसमें फिर हम सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु और कुम्हार में क्या संबंध है
है ना। तो देखो गुरु और कुम्हार में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि पुरुष शिष्य को गढ़ता है जैसे कि कुम्हार बर्तन को गढ़ता है ना। तो गुरु शिष्य को गढ़ता है, गुरु शिष्य को सही करता है, समझाता है, पढ़ाता है, उसी प्रकार जैसे कि कुम्हार बर्तन को गढ़ता है और उसको बनाता है, अर्थात उसको बनाता है। नेक्स्ट है, कौन सी चीज़ें छिपाने से नहीं छुपती, वही सात चीज़ें हमने पढ़ी थी, खैर यानी कत्था, खून यानी हत्या करना, खांसी का मतलब खांसना ही होता है खुशी, वैर का मतलब दुश्मनी, प्रेम एवं मदिरा यानी और मदिरा पान करना। तो ये सब चीज़ें छिपाने से नहीं छिपती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़मती को कवि ने क्या शिक्षा दी है। जड़मती का मतलब बुद्धिहीन इंसान को कवि ने क्या शिक्षा दी है। जड़मती को कवि ने निरंतर यानी लगातार प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, ताकि निरंतर अभ्यास करने से ही वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाए और फिर उसको मिल जाए सफलता। तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स भी। एक और क्वेश्चन है आपका, नेत्र की तुलना आईना से क्यों की गई है। तो देखो आंखों की तुलना आईना से इसलिए की गई है क्योंकि आईना सब कुछ बता देता है, ठीक उसी तरीके से हृदय के भार नेत्रों से जाहिर हो जाते हैं, है ना, इसलिए तुलना की गई है। तो दोनों की तुलना ठीक है। सो यहाँ पर हमने देख लिए हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, यहाँ तक पहुँच गए हो तो थैंक यू सो मच। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकते हैं, कैसे, इस वीडियो को शेयर करके। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनएस बोर्ड की जितना सिलेबस हमने पढ़ाया है, आई डोंट थिंक सो कि किसी और ने पढ़ाया होगा, पिछले कई सालों से हम पढ़ाते आ रहे हैं आपको और आगे भी ऐसे ही कोशिश करेंगे पढ़ाने की।